नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। केंद्र में संसद का सत्र चल रहा है और सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन भी सत्र में कई मुद्दे उठे और आज भी कई मुद्दे उठे हैं। सबसे ज्यादा जो मुद्दा इस वक्त चर्चा में बना हुआ है वो है आपातकाल का मुद्दा। दरअसल आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेता हैं जो आपातकाल के मुद्दे को आज संसद में उठाए हैं, और वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष भी बीजेपी को जमकर जवाब दे रहा है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर मंगलवार को यानी कि आज के दिन कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, आज उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है, ऐसा पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि आपातकाल के काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रताओं को नष्ट किया और भारत के संविधान को रौंद दिया, जिसका हर भारतीय बहुत सम्मान करता है। जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया वह आज भी उसी पार्टी में मौजूद है जिसने आपातकाल लगाया था। वे संविधान के प्रति अपने तिरस्कार को अपने दिखावे के माध्यम से छिपाते हैं, लेकिन भारत की जनता उनकी हरकतों को समझ चुकी है और इसीलिए उन्होंने उन्हें बार बार नकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विपक्षी पार्टी के देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर कहा कि आज जो लोग भारतीय लोकतंत्र के रक्षक होने का दावा करते हैं, उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए उठने वाली आवाजों को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं आपको बताते चले कि मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल, जिसे उन्होंने 1977 में हटाया, चुनाव की घोषणा कर दी थी, भारतीय लोकतंत्र का एक काल अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सिंह ने एक्स पर कहा कि इस अवधि के दौरान तानाशाही और सत्ता का दुरुपयोग खुलेआम प्रदर्शित हुआ। उन्होंने कहा कि इससे कई राजनीतिक दलों की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। भाजपा की ओर से कांग्रेस की यह तीखी आलोचना विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को संविधान के खिलाफ काम करने वाला बताने के समन्वित अभियान के बीच आई है। वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने पर यानी कि बीते दिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी संसद में संविधान की प्रांतियां लेकर आए। अब वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर जवाब देते हुए कहा कि देश में पिछले 10 साल से जैसे अघोषित इमरजेंसी चल रही है और आपातकाल के विरोध के नाम पर आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश भविष्य की ओर देख रहा है, लेकिन सरकार अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुरेदने में लगी है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिछले 10 सालों में 140 करोड़ भारतीयों की अघोषित आपातकाल का आभास करवाया गया, इसमें लोकतंत्र और संविधान को गहरा आघात पहुंचाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि आज सत्ताधारी दल विरोधी पार्टियों को तोड़ने और चोर दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिरने का काम कर रहा है। आज 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुने हुए विरोधी दलों के मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है। खड़गे ने यह भी कहा और यह भी सवाल उठाया कि चुनाव के पहले सत्ता का इस्तेमाल करके लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ना क्या ये अघोषित आपातकाल नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई पॉइंट्स को उठाते हुए बीजेपी को जमकर जवाब दिया। वो पॉइंट्स ये हैं, दरअसल आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल उठाया कि नोटबंदी हो या आनन फानन में लागू किया लॉकडाउन या फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कानून हो, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है जिस पर सरकार ने सर्वसम्मत और सहयोग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष क्या अपने ही साथी दलों के नेताओं को भी अंधेरे में रखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने उठाया कि जब 146 विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित करके देश के नागरिकों पर आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने के लिए 3 कानून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से पारित किए गए, तब ये सर्वसम्मत शब्द कहा था। तीसरा पॉइंट उन्होंने उठाया, जब संसद के प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज जी
महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जैसी महान विभूतियों की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से पूछे एक कोने में स्थानांतरित कर दिया गया। तभी यह सर्वसम्मत शब्द कहा था। तो इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर बीजेपी को जवाब दिया कि बीजेपी के अंदर क्या कुछ कमियां हैं। उन्होंने साफ साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आपातकालीन वाले मुद्दे को लेकर कि पिछले 10 वर्षों से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है अघोषित आपातकाल लगाकर, क्या ये जनता के साथ गलत व्यवहार नहीं हो रहा है। इस तरीके से तमाम उन्होंने पॉइंट्स के साथ अपने मुद्दों को रखा और बीजेपी के मुंह पर ताले लगाने का उन्होंने काम किया। संसद में सत्र चालू है, कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। आज का जो मुद्दा था सबसे ज्यादा हाइलाइटेड जो था वो ये था कि आपातकालीन को लेकर कल से ही यानी कि बीते दिन से ही सत्र में बीजेपी की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने कहीं ना कहीं पॉइंट्स स्टार्ट कर दिया था इस बात को लेकर कि आपातकालीन की 50वीं वर्षगांठ है। और वहीं इस मुद्दे को लेकर आज बीजेपी के पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई ऐसे बड़े तमाम नेता थे जिन्होंने ट्वीट पर ट्वीट करके आपातकाल को हाईलाइटेड किया। उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी जमकर जवाब दिया। इस पूरे मामले पर आप क्या सोच रखते हैं आपातकालीन को लेकर, खास करके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए TV24।